क्लास 3 का ये प्रोजेक्ट रेल के तहत संचालित होने वाली जो एग्ज़ाम है, सभी स्कूलों में एग्ज़ाम हो रही है, सरकारी विद्यालयों में एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है, तो इसी से संबंधित यह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत ही स्मार्ट आज का क्लास होने वाला है। क्या है तिथिवार, कौन सा डेट में एग्ज़ाम होगी, है ना, कौन सा डेट में और कौन सा विषय को एग्ज़ाम में शामिल किया जाएगा, और उस एग्ज़ाम में यदि आपको बता दिया जाए कि यही चैप्टर से पढ़ के जाना है और परीक्षा लिखना है, इसी से क्वेश्चन आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो बस वही है, क्या है कि देखिए एग्ज़ाम की शुरुआत जो है से अगस्त में हो चुकी है, प्रोजेक्ट रेल के तहत एग्ज़ाम की शुरुआत अगस्त में हुआ है। पहला एग्ज़ाम हुआ है 5/8/2023 को, है ना। चलिए अगस्त बीत गया, सितंबर भी बीत गया, अब क्या आया अक्टूबर, तो अक्टूबर से सीधे बात करते हैं क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया उस पर गाना बजाना उचित नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 9/10/2023 अक्टूबर महीना, है ना, तो 9/10/2023 का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन विषय होगा, मैथ, कौन सा विषय होगा, मैथ। और जो मैथ में जो चैप्टर होगा उसे देखिए संख्याएं, चैप्टर का नाम है मैथ का संख्याएं, बड़ी संख्याओं की पहचान, घटते क्रम, सम संख्या, विस्तारित रूप से क्रमागत संख्या, ये चैप्टर का नाम है। तो मजा आया क्यों, क्योंकि यही चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, है ना, यही चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे, बस एग्जाम में लिखेंगे, मतलब जो पढ़ेंगे वही परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, है ना। और आप कौन सा क्लास का देख रहे हैं, क्लास थ्री का है। उसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 सभी विषयों का, सभी क्लासों का हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो भी विषय को देखना चाहते हैं, जिस क्लास को आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब आगे आते हैं, आगे देखिए अक्टूबर माह में जैसे ये क्या है 14/10/2023, जो 14/10/2023 का जो एग्ज़ाम होगा EBS, ठीक है, EBS होगा, एक विषय, और इसमें चैप्टर का नाम है मेरा खेल, मतलब मेरा खेल चैप्टर को आप पढ़ कर जाएंगे EBS का एग्ज़ाम में, आप टॉप कर जाएंगे। फिर 28/10/2023 है, हिंदी है और इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश दो विषय है, हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी में कौन सा चैप्टर आएगा, चंदा मामा कुएं में मन करता है, एक थी चिड़िया, ये सब चैप्टर है, इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में बात किया जाए तो देखिए इंग्लिश में ये है आवर स्पोर्ट्स गेम्स फॉर फन, है ना, धोनी माई हीरो, ये चैप्टर हैं। उसी तरह से 4/11/2023 मैथ आएगा, और इसमें मैथ में पढ़ना है जोड़ चैप्टर है। 11/11/2023 एग्ज़ाम होगा EBS का, और इसमें चैप्टर का नाम है खाना पकाना पसंद अपनी अपनी। 25/11/2023 को एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश का ये चैप्टर दिया हुआ है, इसी चैप्टर को पढ़ के जाना है और मज़े में एग्ज़ाम लिखना है। इसी तरह से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम का संचालन किया जाएगा, मार्च तक एग्ज़ाम होगी, मार्च तक मतलब 2024 तक, तो पूरे साल साप्ताहिक जांच परीक्षा होनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिसंबर में देखेंगे 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर का कौन सा विषय है, मैथ, और चैप्टर का नाम है घटाओ, है ना, 9 दिसंबर EBS होगा और चैप्टर का नाम है कच्चा पक्का। 23/12/2023 चैप्टर का नाम है, पहले सब्जेक्ट देखिए हिंदी और अंग्रेजी है, और चैप्टर का नाम है जब मैंने पानी बरसाया, है ना, और 6/1/24 मतलब नया साल में प्रवेश कर गया, हैप्पी न्यू ईयर 2024, तो नया साल में प्रवेश कर गए, और नया साल में प्रवेश करते ही पहला एग्ज़ाम जो होगा मैथ, पहला एग्ज़ाम क्या होगा, मैथ, और इसमें गुना और भागा, ठीक है, यही चैप्टर से प्रश्न आएंगे। नया साल पहुंच गए, और नया साल में कब तक एग्ज़ाम चलेगा, 23/3/2024 तक, है ना, तो देखिए 15 जनवरी को भी एग्ज़ाम EBS का, और कच्चा पक्का कैसे कैसे घर यहाँ से भी पूछा जाएगा प्रश्न, है ना। 27/1/2024 देखिए हिंदी और अंग्रेजी, होली, हिंदी में क्या होगा, होली, अंग्रेजी में आएगा द आवर कंट्री, है ना, पोयम आएगा, ये सब, तो ये सब पढ़ना है क्योंकि सब चैप्टर को पढ़ाई हो गया होगा, आप पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम लिखेंगे। और 10 फरवरी देखिए, फरवरी की बात करते हैं, EBS घर के जानवर, EBS घर के जानवर, जानवर के घर, चुक 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 चुक, ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर है, इस तरह से
आप पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों सभी के लिए है ये वीडियो, और हमारे प्लेलिस्ट में सभी क्लास का दिया हुआ है। आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।